नंबर फाइव और देख करिए फाइव क्रेडिट करिए इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर रेडियस कितना है 21 रेडियस कह रहे कि 21 सेंटीमीटर आगे एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर आर्क सबटेंडेड 60 डिग्री एट द सेंटर कोई आर्क ये भी ले लेते हैं इस सेंटर पे क्या कर रहा है 60 डिग्री बना सबटेंड कर रहा है तो ये सी भी आ जाएगी चलिए आगे फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ए सी बी ये लेंथ हमको बताना है चलिए आगे एरिया फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क एरिया ऑफ सेक्टर सेक्टर क्लियर एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट सेगमेंट एक सेगमेंट सेगमेंट है माइनस बेटर नहीं है अच्छा इसमें क्या करेंगे लेंथ ऑफ आर्क निकालना मतलब ये लेंथ ए सी बी लेंथ हम क्या ले रहे हैं ए ले रहे हैं ये का हमारा कितना मतलब 60 डिग्री कितना है 60 तो लेंथ ऑफ आर लेंथ ऑफ सेक्टर लेंथ ऑफ आर ऑफ सेक्टर थीटा सेक्टर थीटा कितना होता है ना थीटा बाय 360 इनटू 2 पाई है ना थीटा बाय 360 इनटू 2 पाई होगा 360 से 2 पाई आर बनेगा आर्क ना 360 से आर्क में कितना बनेगा पूरा सर्कमफेरेंस पूरा सर्कमफेरेंस 2 पाई आर करें 360 से 2 पाई आर सर बनेगा है तो 1 से क्या बनेगा 1 डिग्री से 1 बाई 360 इंटू 2 पाई हो जाएगा थीटा से क्या बनेगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई है ना देखिए 360 से कितना आप कह रहे हैं 360 से आप कह रहे हैं 2 पाई आर आर कौन है आर लेंथ करस्पॉन्डिंग टू 360 डिग्री के ओवर टू सर्कमफेरेंस के बराबर होगा तो 1 डिग्री से क्या होगा 1 डिग्री से 2 पाई आर अपॉन 360 हो जाएगा है ना तो थीटा डिग्री से क्या हो जाएगा मतलब 2 पाई आर अपॉन 360 इनटू थीटा है ना तो चीज है तो थीटा का मान क्या है 60 डिग्री है कितना है 60 डिग्री यहां 60 डिग्री है बाय 360 डिग्री है इनटू 2 पाई पाई बन गया है नहीं कुछ नहीं दिया हां कुछ नहीं दिया तो 22 बाय 7 और आर आर की वैल्यू क्या है 20 तो 7 बन जा 7 3 है ना 6 बन जा 6 6 है और फिर कितना हो जाएगा 2 बन जा 2 3 3 बन जा 3 बन जा ना कितना हो जाएगा 22 ठीक है लेंथ ऑफ आर्क आर्क सेंटर क्या हो जाएगा 22 ठीक है ना अब उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर पे एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर सेक्टर के लिए जो थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर है ना तो 60 बाय 360 इनटू 22 बाय 7 इनटू 14 स्क्वायर इनटू 21 21 21 बाय 6 इनटू 20 बाय 22 बाय 7 21 इनटू 21 और 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 11 है ना 11 इंटू 21 1 और 22 22 ठीक है एरिया सेक्टर होगा अब उसके बाद सेगमेंट का एरिया एरिया सेगमेंट कितना होगा बोलो एरिया सेगमेंट सेगमेंट में जो है एरिया सेक्टर माइनस माइनस एरिया ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल ठीक है ट्रायंगल कौन सा रहेगा ओ ए बी ट्रायंगल क्या रहेगा ओ ए बी ना है
इसको यहाँ मिला लीजिए, ठीक है। ये आपका सेगमेंट पीरियड हो गया, इसमें से वो एक करेंगे माइनस हो जाएगा, सेकेंड रीजन पीरियड करने के वो भी करेंगे माइनस करना पड़ेगा सेट है ना। तो इसी बन रहा है कि मान रहे हो तो ये तो बार निकाल सकते हैं 231 है और ये दिया और रेंज निकालना तुम्हें। तो देखिए ये तुम्हारा कितना होता 21 है, ये 21 है, ये 60 है, इसके रिसेशन कर लेते। ये आइसोसेल स्ट्रेंग है, क्या है आइसोसेल स्ट्रेंग ना, तो इसके एक साइड दे रखा है, कैसे निकल लो तो जो साइड दे रखा है एंगल दे रखा है ये निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ नार्मल कर दो हैं, नार्मल कर दीजिए। तो आइसोसेल स्ट्रेंग में परपेंडिकुलर ट्रंक फ्रॉम वर्टेक्स ऑन बेस क्या करता है, बाइसेक्ट एंगल एंड बाइसेक्ट बेस ना, बेस को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, हैं ठीक है। तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, मतलब ये एंगल 30 हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा 30। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर चाहिए और बेस से 30 हो, ठीक है। तो फिर ओ एम अपॉन ओ ए कितना होगा, ओ एम अपॉन ओ ए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ए बी इंटू ओ एम, ए बी इंटू ओ एम होगा ना, ये रेक्टेंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ए बी है, हाइट ओ एम हो जाएगा है। तो आपको ए बी चाहिए और ओ एम चाहिए, ये ना, तो ए बी ओ एम निकाल लीजिए, कैसे निकालना मतलब ए बी ओ एम राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ओ एम ए, ओ एम अपॉन ओ ए इसको कितना होगा, पास ऑफ 30, पास ऑफ 30 होगा ना, ओ एम अपॉन ओ ए, ओ एम बेस हो जाएगा, ओ ए क्या होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये ओ एम पर बनने वाला एंगल है। तो जिस साइड का एंगल बनता है बेस होता है ना, तो रेशियो ऑफ बेस टू हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस के कॉस ऑफ 30 हो गया। ओ एम की वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है, ओ ए की वैल्यू 21 है, ओ ए वैल्यू क्या बताओ 21, इसकी वैल्यू रूट 3 बाई ले। अब उसके बाद चले ये हो गया आपका 21√3/2 सेंटीमीटर। अब ए एम निकालिए, ए एम क्या होगा, ए एम एम अपॉन हुए, एम अपॉन हुए क्या होगा, ये साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30 ना, एम कितना हो जाएगा ओ ए साइन 30, ठीक है। ए एम इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए, ओ ए की वैल्यू क्या 31, साइन 30 इक्वल 1/2 तो 10.5 हो गया, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 10.5, ठीक है ना। अब चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं, ए बी कितना हो जाएगा, तो ए बी जो है
1 4 6 3 और 4 4 1 मल्टीप्लाई करिए 3 3 4 12 13 17 2 3 7 1 3 5 9 10 9 1 190 ये वैल्यू हो गया आपके टेबल कितना हो जाएगा 231 माइनस 190.953 है आप इसको माइनस करिए तो 231.000 190.953 जो कि 7 4 0 0 4 इसकी वैल्यू आपके आ जा रही है 40.047 कितना देर देखिए माइनस एक मिनट पढ़ जाए 231 ठीक है और माइनस 441 तो मैं साल लेंगे जैसे फॉर्म लेंगे 231 है हाँ ये देखिए 231 है तो 231 हो गया माइनस 21 21 का प्रोडक्ट 4 4 1 है अपॉन 4 है रूट 3 कर लो इन्होंने नहीं रखा ना रूट 3 वैल्यू नहीं रखा ना यहाँ से डायरेक्टली नीचे वाले डेसिमल में देना है तो नीचे वाला कर दीजिए हाँ और आपके यहाँ आपका जो आंसर है ये आंसर दीजिए आंसर ये देखिए आपके बुक में आंसर दिया है तो ये आंसर आप कर सकते हैं लेकिन फाइनल आंसर क्योंकि इसके आगे भी सवाल